पिछले कुछ दिनों के दौरान मोदी सरकार ने संसद से रिकॉर्ड 143 सांसदों को निलंबित कर दिया है, जो कि पूरी दुनिया में एक नया कीर्तिमान है। देश के सभी विपक्षी दल मोदी सरकार के इस रवैये को तानाशाही बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता पूरे देश में मोदी सरकार के इस हिटलर शाही के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं, ये इससे सरकार हम लोग गांव घर में जाते हैं, है कहां भी इतना दिन से 10 महीना से महागठबंधन सरकार चली है, कहां वही हाथ से भी घुसखोरी रहे पते नहीं चले थे कि सरकार बदली गई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है, आप वोट मांगने जाइएगा कि नहीं? एक बड़ा से बड़ा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रहा है, नौकरी मिल रही है, 1,20,000-22,000 नौकरी मिल गई और 1,22,000 नौकरी 25 तारीख तक और मिलने वाली, नौजवानों पर उत्साह है, दुर्भाग्य। अब इसीलिए आज के धरना के माध्यम से केवल शासन प्रशासन दोनों, बाकी हम नीतीश जी कोई बात कह चुके हैं, तेजस्वी जी को भी कह चुके हैं कि सरकार बदलने का प्रभाव दिख नहीं रहा। विधानमंडल दल का नेता है शकील अहमद खान, माले का 12 विधायक है, माले विधानमंडल दल का नेता कौन है? कटिहार के बलरामपुर का विधायक महबूब आलम, रवि प्रकाश डीएम बन के पहली बार और आलोक कुमार चौधरी है कि क्या टाइटल है, एसडीओ पहली बार बना है, इसके पहले हुए एसडीओ नहीं था, रवि प्रकाश पहले डीएम नहीं था, जितेंद्र कुमार हो सकता है पहले एसपी रहे, लेकिन मेरा दावा है ये दोनों को 9 महीना हो गया, 11 अप्रैल 2023 को कटिहार का डीएम रवि प्रकाश आया है, हम जानबूझ के सोचे कि कुछ लीक से अलग बोलना, महागठबंधन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, तेजस्वी जी की सरकार है, सीपीआई सरकारी पार्टी में है, सीपीआईएम है, माले है, और यहाँ 4 कटिहार में देख लीजिए 3 पार्टी का विधानमंडल दल का नेता है, आप लोग सुन लीजिए समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल का नेता कौन है मालूम है आपको? भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल अभी इसको नहीं हटाया, भले इसको विरोधी दल का नेता को नहीं रखा है, पहला में भाजपा विधानमंडल दल का नेता अभी शकील अहमद खान यहाँ बैठे थे, उन्हें समय है कांग्रेस का, शकील नया ऑफिसर कटिहार में आया है, पहली बार डीएम बना रवि प्रकाश, पहली बार एसडीओ बना आलोक कुमार चौधरी और पहली बार डीडीसी बना सौरभ यादव, हमको मूल्यांकन करना चाहिए कि 11-10 महीना में 11 अप्रैल को डीएम रवि प्रकाश आया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अब खत्म होने वाला है, जनवरी आएगा तो पक्का 9 महीना हो जाएगा, अब आप समझिए मूल्यांकन कीजिए कि क्या कटिहार में अंचलों में वीडियो के पास से कहीं घुसखोरी वगैरह खत्म हो गया, कितनी बदनामी होती है, कितनी बदनामी होती है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं चूंकि रूलिंग पार्टी के हम लोग नेता है कार्यकर्ता बोल नहीं पाते हैं, अरे डीएम पहली बार डीएम बने भाई रवि प्रकाश, मेरी आवाज जाती होगी तुम्हारे पास, कटिहार का डीएम दिखना चाहिए, न्याय अगर हो रहा है तो न्याय दिखना भी चाहिए, काम अगर हो रहा है तो काम दिखना भी चाहिए, एसपी हमको एसपी छोड़ के जितेंद्र कुमार एसपी छोड़ के किसी का काम दिख नहीं रहा, लेकिन एसपी का काम दिख रहा है, वो भी अगर गड़बड़ करता तो हम उसके खिलाफ भी बोलने में एक मिनट भी हम इच्छकते नहीं, हम विकास कुमार के बारे में बोलते थे कि ये विकास कुमार जब से कटिहार में आया है तब से आपराधिक क्षेत्र में विकास हुआ है, आपराधिक घटनाओं में विकास हुआ है, थाना बेचा जा रहा है, लेकिन जितेंद्र बाबू 3 आदमी का तो नाम लिए हम, सौरभ यादव डीडीसी, आलोक कुमार एसडीओ, रवि प्रकाश डीएम, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन थाना में बेईमानी घुसखोरी भी रोकिए, झांसेबाजी और जुमलेबाजी के खिलाफ नहीं बैठे हैं,
आम आदमी को राहत मिलना चाहिए, आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए। आप तब समझेगा लोग आम आदमी कि सरकार बदली है, लोग बदले हैं, नेता बदला है, तब जाके हम लोगों को लगेगा कि नहीं, लोग बोले नहीं भाई अब तेजस्वी यादव जब से एलच है, जब से सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का लोग आया है, हम लोग का काम आसान हो गया है। इसीलिए बाकी आपके मन में क्या चल रहा है उसकी चिंता राम प्रकाश महतो को नहीं है। हम विद्यार्थी जीवन से 74 से बाकी लोग तो भी नया लौंडा छोंडा पैदा लिया है, धाराधार नेता बनता है, लेकिन हम 74 से हम लोग इसी काम को कर रहे हैं। अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग 74 में नारा लगाते थे, बंद करो भ्रष्टाचार नहीं तो देंगे गर्दा झाड़। अब तो साला गर्दे करता है, झाड़ेंगे किधर। इसी क्रम में आज कटिहार में भी जिला समाहरणालय के सामने विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज इंडिया गठबंधन परिवार के सारे लोग यहाँ पर जो संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने का काम जो सांसद भवन में किया गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ अब यहाँ पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जता रहे हैं। और हम सारे लोग एकत्रित होकर इस लड़ाई को और आगे जो है संगठित तौर पर लड़ना पड़ेगा तो उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग सभी पार्टी के सभी दलों के सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि जो संवैधानिक ढांचों को खत्म किया जा रहा है उसके विरोध में। महागठबंधन के दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं और तमाम लोगों की शुभेच्छाओं की ओर से धरना था पूरे देश पर, देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी। हो क्या रहा है 10 वर्षों में देश में? खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सीजीआई का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदला गया नया बिल लाके, जिसमें सीजीआई ने कहा था कि चुनाव आयोग का गठन होगा तो उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और सीजीआई होगा, बदल दिया। अरे आपसे जवाब मांगा जा रहा है, आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि क्यों है इस तरह का हो रहा है। अब जवाब देने से नहीं, भाग रहे हैं जवाब देने से। और चुने हुए तमाम रोज एमपी निकाला, जो पूछने के लिए खड़ा होता उसी को निलंबित कर दिया जाता है। आपको कहा मणिपुर के बारे में पूछा तो आप आज तक मणिपुर गए नहीं। अडानी के बारे में राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि अडानी का पैसा कहां गया 20,000 करोड़, उसका जवाब नहीं दिया, उसकी सदस्यता खत्म कर दिया। महुआ मित्रा क्या दोष था, बिना उसका उनका जवाब पूछे, उनका स्पष्टीकरण सुने, उसकी सदस्यता खत्म कर दी। देश में लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया गठबंधन की यूनिटी से बीजेपी घबरा गई है। अभी जो तीनों राज्यों में चुनाव हुआ उसमें मध्य प्रदेश में तो खुल्लम खुल्ला है कि ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है। इसीलिए तमाम सारे मुद्दों पर वादों की बात छोड़ दीजिए, चाहे नौकरी हो, 15-20 लाख खाता में आ जाएगा, किसान की आमदनी दुगुनी हो जाएगी और लगातार जो और सब डिमांड है, सबका पक्का का घर बन जाएगा, सब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, क्या बड़ा आप इससे भागना चाहते हैं। उपलब्धि में मंदिर, 3,370,000, अभी अभी 1 महीना में बता रहा था कि 1 महीना में लगभग 15-20 लोग की हत्या हो गई। इसलिए इन तमाम सवालों पर पूरे देश में इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं के द्वारा, यहाँ भी कटिहार में भी, सभी दलों के लोग आज लगातार 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोगों ने धरना दिया है कि लोकशाही चलेगा, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को। हम लोगों ने आगाह किया लोगों से कि फिर आएगा, झूठ बेचेगा, सपना बेचेगा, उसके चक्कर में, झांसे में, जुमला में पड़ना नहीं है। और 24 में इस तमाम जो धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहा है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में आपस में जो घृणा नफरत का माहौल है, इसको खत्म करना है, तभी 142 करोड़ लोग हम लोग देश को समृद्धि और विकास के रास्ते पर ले जा सके। इसको देश का मुद्दा से भटकाने के लिए ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचते रहते हैं। इसी का देन है जो कि आज भी हमारा लोकसभा में 148 राज्यसभा से निष्कासित किया। पिछले दिन आप देखे होंगे कि किस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी पर अन्याय हुआ, यहाँ तक
तक उसका बंगला भी खाली करा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी किया। ये बहुत घृणित सरकार है, बहुत गिरा हुआ काम करता है। हम लोग इंडिया गठबंधन और हम लोग कांग्रेस के तमाम लोग इसका विरोध करने लगा। इस धरना प्रदर्शन में सभी विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता शामिल थे, जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस, सीपीई और सीपीएम आदि सभी पार्टियों के नेता शामिल थे। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप, मामास फूड कॉर्नर। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।